पश्चिमी राजस्थान का सांचौर जिला नक्शे में बदलने जा रहा है। कल विशेष अधिकारी पूजा कुमारी पारस मैडम पदभार ग्रहण करेंगे। आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि ओएसडी मैडम का कार्यालय कहाँ होगा और सांचौर जिले में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। इस खबर को पूरा सुनने से पहले शेयर जरूर कीजिएगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति के पास ये खबर पहुंचे और वो भी ये जान पाए कि ओएसडी मैडम का कार्यालय वहां है और सांचौर जिले में ये क्षेत्र आने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार सांचौर जिले के विशेष अधिकारी का कार्यालय कलचरी परिसर के पास पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई के आवास के सामने बनना तय हुआ है। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही है ये सांचौर जिले के विशेष अधिकारी का कार्यालय बनाया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ सांचौर जिले में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होने की चर्चाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। सांचौर के साथ चितलवाना, रानीवाड़ा, सरनाऊ, करड़ा, बागोड़ा क्षेत्र के कुछ गांव और वहीं बाड़मेर जिले के धोरीमना, सेड़वा, फागलिया पंचायत समिति के अतिरिक्त गुड़ामालन के कुछ हिस्से को सांचौर जिले में शामिल करने को लेकर चर्चाएं तेजी से चल रही है। राज्य सरकार की ओर से सांचौर में विशेष अधिकारी के रूप में पूजा कुमारी पार्थ की नियुक्ति की गई है। विशेष अधिकारी की ओर से पदभार संभालते ही भौगोलिक रूप से नक्शे का मंथन होगा। सांचौर जिले में कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। नया जिला बनने की घोषणा के बाद यहाँ के लोग इस बात को लेकर इंतजार कर रहे थे कि सांचौर जिले का गजट नोटिफिकेशन कब जारी होगा और सांचौर जिले में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे। राज्य सरकार सांचौर जिले को सीमावर्ती जिले की सौगात दे सकती है। बाड़मेर जिले की फागलिया व सेड़वा पंचायत समिति को नए जिले में शामिल कर इसे सीमावर्ती क्षेत्र बना सकती है, जिसका स्थानीय क्षेत्र के निवासियों को काफी फायदा भी मिल सकता है। सांचौर जिले से दो राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरते हैं, ऐसे में यहाँ के लोगों को आवागमन की भी बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। राजस्थान सरकार द्वारा सांचौर जिले को विशेष अधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी होने के बाद स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर निशांत जैन भी एक आदेश जारी कर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी के सहयोग के लिए कार्मिकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर देते हैं। सांचौर जिले में कल विशेष अधिकारी मैडम पदभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद भौगोलिक रूप से सांचौर में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे उसको लेकर कवायद शुरू हो जाएगी और जल्द ही सांचौर नक्शे में तब्दील हो जाएगा। ओम प्रकाश चौधरी, सांचौर।